एजी ऑफिस में वरिष्ठ लेखाकार की मौत, काफी देर तक उहापोह की स्थिति, होता रहा हंगामा। घर से आए थे और सुबह पानी पीने गए, वहीं पर उन्होंने कुछ अपने घर से लाया हुआ भोजन, वहीं उनकी तबीयत खराब हुई, गिर गए। उसके बाद लोग यहाँ से उठा के जो है यहाँ वेलफेयर ऑफिसर के कैंपस में लेके आए, और इसके बाद जो है जब मुझे मैं वासल गया वहाँ पे, और वहाँ पे कोई सपोर्ट न मिल पाने की वजह से यहाँ वापस आया गया। तब से बॉडी ही रखी हुई है हमारी। कैसे सूचना मिली आपको? हमें सूचना, हम तो कोचिंग से निकल कर वापस आ रहे थे, तो हम बगिया खुजुरबाग में पढ़ते हैं, तो हमारे मोहल्ले के लोग गए ढूंढने हमको, तो हमको पता चले तो हम वहाँ से आए। क्या पता चला? ये हमें वहाँ बताया नहीं गया क्या हुआ, तो कहें ऐसा करो जल्दी रखो, तो मेरा मित्र टाइप था, तो कहा तुम चलो तुम्हारा बहुत जरूरी काम है। तो मैं वहाँ से जब आ रहा था, कहा बाबू के ऑफिस चलना है, तो हमका क्या हुआ मैं कभी था। हाँ ये सुने, तो मैं कभी ऑफिस तो आया नहीं था, एक बार आया था, तो वही गेट पे जब आए तो बताया, तब इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात। तबीयत पहले तो खराब थी क्या? नहीं, कभी तबीयत ऐसी नहीं खराब हो, हमें तो कुछ नहीं लगता, क्या कंफर्म करने के लिए उन्होंने वात्सल हॉस्पिटल ले गए, और वहाँ से फिर उन्होंने कहा कि इनकी डेथ हो चुकी है, फिर ये उन लोग वापस लेके यहाँ फिर लेके आए हैं। मतलब डेथ इनकी यहीं कैंटीन में ही हो गई थी, इन लोग जैसा इन अनुभव किया है कि डेथ इनकी यहीं हो चुकी है। ऑफिस के लोगों ने क्या बताया इनको? ऑफिस के लोगों ने यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके डेथ ले जाके बाहर जाते समय हुई है, और कोई मतलब डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे, और जो भी दिए थे अब फाड़ फूड़ के फेंक दिए। अंदर हम लोग जो मदद करना था मदद किए, उसको हम लोग क्या बताएं? अरे खत्म नहीं हो गए, तबीयत खराब हो गई, अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी डेथ हो गई। क्या कारण, क्या स्पष्ट हुए अभी? पीएम के बाद पता चलेगा, मृत्यु का कारण कोई नहीं बता सकता बिना पीएम के। परिजनों ने कुछ बोला है या नहीं? कुछ नहीं बताया उन लोगों ने, या कर्मचारियों से बात हुई कुछ? हाँ, किसी ने नहीं बताया, मृत्यु का कारण कोई नहीं बता पाए, इसलिए पीएम हो रहा है। जब पंडित जी आप अंदर घुस रहे थे तो कर्मचारियों ने कुछ हंगामा किया? कोई हंगामा नहीं किया, कोई हंगामा नहीं किया, ये कहा कि कैंटीन में इसकी तबीयत खराब हुई थी बस।